हेलो भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है ये डोर ट्रिम जो है इसके अंदर फैब्रिक की आती है, होंडा सिटी का वी वेरिएंट है ये ना, गंदी बहुत जल्दी होती है। आप देखो तो थोड़ा थोड़ा ये गंदी होने लग गई है। अब सीट्स भी फैब्रिक की आती है, सीट्स पे तो मैंने कवर वगैरह चढ़ा लिया, तो उस पे यहाँ पे जो ये आपको प्लास्टिक सा मिलता है, ये भी प्लास्टिक सा है, तो इन पे इतना कोई ज्यादा नहीं होता। लेकिन जैसे डोर खोलते या बंद करते हैं तो यहाँ पे जो हाथ लगता ही लगता है। ड्राइवर का तो सबसे ज्यादा गंदा है, इतना ना तो ये गंदा है ना पीछे वाले गंदे हैं। तो आज मैं ना क्या साफ करने वाला हूँ इसको घर पे ही, मतलब जुगाड़ सा। शोरूम पे जाते हैं उनके पास 3M का केमिकल सा होता है, वो तो कर ही देता है, 2 मिनट भी नहीं लगाता हूँ तो साफ करने में। आज मेरे पास है एक तो ये माइक्रोफाइबर क्लोथ नया लिया है मैंने ये, और एक ये कॉलिन। कॉलिन की मतलब मैं कोई ब्रांडिंग की प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा, लेकिन आज टेस्ट करने वाले, मतलब जुगाड़ सा ही है ये। ये जो है साफ कपड़ा है, ये कलर ऐसा है इसका जैसे मैला सा हो। हाँ, एक बार इसको करके देखते हैं। गाड़ी अभी कोल्ड स्टार्ट मैंने ना लाइट के अंदर खड़ी कर दी थोड़ी सी, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा, आप दूर से देखो तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे निशान निशान से, और ये काला काला सा होना शुरू हो गया, देख लो यहाँ पे। ये ड्राइवर डोर की बात कर रहा हूँ मैं, पीछे वाला और दिखा दूंगा आपको। पीछे वाला तो फिर भी इतना गंदा नहीं है, थोड़ा सा गंदा हो रखा है लेकिन इतना नहीं है। उधर वाले पे थोड़े थोड़े स्पॉट्स हैं, ये देख सकते हो आप यहाँ पे है। मतलब एक बार सारे करके देखते हैं कि साफ करता है कि नहीं करता। उनके पास तो केमिकल होता है तो 2 मिनट भी लगाते साफ करने में। अब बात आती है अगर आपको खुद घर पे करना हो तो, उनके भी कभी कभार वो एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं साफ करने के, वो मानते भी नहीं है। जैसे मैं एक बार सर्विस स्टेशन गया था सर्विस करवाने, इसकी तो मैकेनिक वगैरह ने यहाँ हाथ लगाई, ये काला कर दिया उसने, सारा का सारा साफ था, तो मान ही नहीं रहे थे कि इनके मैकेनिक ने करा है। मैं कहा मैम आप कैमरा खोल के देख लो, उसके ही काम है। अब तो गाड़ी थोड़ी सी पुरानी होगी और चलने लगी, तो यहाँ पे ऐसे काला काला होने लगा। तो एक बार ट्राई करते हैं कि साफ होता है। यहाँ स्प्रे करते हैं, थोड़ा थोड़ा तो ज्यादा ही गिर गया। अब एक बार कपड़े साफ करके देखते हैं, यहाँ हो जाए तो ये काम। अब देखो तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा साफ तो हो गया है ये लगभग जो है। अब ये थोड़ा सा गीला पड़ा है, इस वजह से इतना थोड़ा सा गीला गीला सा लग रहा है। एक बार यहाँ पे मैंने कपड़ा भी ढंग से मार दिया। एक बार अब पीछे वाले डोर पे और करके देख, इस पे इतनी ज्यादा कोई मैल वगैरह गंदा नहीं हो रखा है। एक बार इस पे मार के देखते हैं, फिर भी साफ हो जाता है थोड़ा सा। थोड़ा थोड़ा मारना है, थोड़ी सी ज्यादा ही डेंसिटी में छिड़क देता है। ये वाला डोर तो कर दिया, अभी थोड़ा थोड़ा गंदा इसलिए दिख रहा है क्योंकि गीला है। अब ये सूख जाएगा फिर आपको दिखाता हूँ। इस वाले को और देखते हैं, यहाँ पे हल्के हल्के दाग से हैं इस पे, इसका और देखते हैं क्या रहता है काम। अब यहाँ पे देखो तो ये को पैसेंजर का है, यहाँ ड्राइवर डोर यहाँ पे हल्का हल्का है, मतलब इतना ज्यादा निशान नहीं है लेकिन है थोड़े थोड़े। इसको और करते हैं अब एक बार। तो प्लास्टिक की है ये वाली और ये वाली, इसको और करके देखते हैं हल्का हल्का। यहाँ पे आप देखो तो निशान से आ रखे हैं, ये वाली चीज तो चलो निशान पकड़ती है, हाथ वगैरह फिंगरप्रिंट्स छप जाते हैं इस पे, तो इस पे और ट्राई। जो भाई होंडा सिटी 5th जनरेशन के जो यूजर वगैरह ना, जिनके अंदर जो इंटीरियर वगैरह लेदर वगैरह का नहीं आता, उनको भी पता है कितने मतलब मुश्किल है मेंटेन करना। 4th जनरेशन जो होंडा सिटी आती थी उसके अंदर मतलब बेज ट्रीटमेंट तो था अंदर, लेकिन इतना नहीं था। यहाँ पे फैब्रिक यहाँ पे लगभग प्लास्टिक सा था, थोड़ा सा ही आपको जो फैब्रिक का पार्ट मिलता था, यहाँ पे लगभग बेज प्लास्टिक था सारा का सारा। लेकिन इसके अंदर क्या कर रखा होंडा ने, सारा का सारा यहाँ पे ये जो चीज देख रहे हो ना आप, ये सारी सारी प्लास्टिक की जगह बिल्कुल फैब्रिक चिपका दिया। तो अब ये मेंटेन करने में इतनी दिक्कत आती है। देखने में तो मतलब बहुत अच्छा लगता है कि भाई वाह होंडा ने बहुत प्रीमियम काम करा है, काम तो करा अच्छा है, लेकिन अब ये मेंटेन करने में बहुत दिक्कत। अब मैंने ये दोबारा से साफ कर दी, 2 बार तो ये साफ कर दिया। यहाँ पे भी मैंने थोड़ी थोड़ी सी जो है मार दी है कोलिन वगैरह यहाँ पे भी, और ये सारी चीजें। यहाँ पे ना एक दिक्कत क्या आ रही है, यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको जो पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है, इसमें तो बहुत अच्छी लगती है यहाँ पे, लेकिन ये दिक्कत पता है क्या क्रिएट करती है। जैसे यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो थोड़े थोड़े माइनर स्क्रैचेस हैं, ये रहा एक, तो यहाँ पे और भी है। मतलब यहाँ पे ये अच्छा देखने में बहुत अच्छा लगता है कि भाई हाँ बहुत प्रीमियम फिनिश है, पियानो ब्लैक फिनिश है, लेकिन जो 4th जनरेशन थी उसके अंदर तो सारी की सारी चीज ये वाली जो यहाँ से है ना वहां तक सारी की सारी जो आपको पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर मिलती है। इसके अंदर तो ये थोड़ा सा पार्ट दे रखा है, इसके अंदर ही मतलब बहुत गंदी तरह स्क्रैचेस आने लग गए, और ये देखने में भी फिर यार दुख होता है क्या कर दिया हाल गाड़ी का इतने दिन में ही। अब इसका मैंने यूट्यूब वगैरह पे सॉल्यूशन वगैरह देखा है, तो उसके अंदर तो यहाँ पे एक शीट सी आती है, वो शीट सी लगा देते हैं बस, उससे कवर हो जाता है। अब वो देखते हैं अगर कहीं शीट मिलती है तो मैं वो जरूर लगवाऊंगा 100%, क्योंकि मतलब ये इसका ना भुंडाल होता जा रहा है धीरे धीरे, स्क्रैचेस लगते जा रहे हैं धीरे धीरे बहुत ज्यादा, और फिर ये आखिरी में जाके ना बहुत गंदा है। सबसे पहले ना इस पे ही मारी थी,
तो यहाँ पे देखते हैं बिल्कुल मतलब साफ कर दिया इसने, कहीं भी ऐसे स्टेन वगैरह धब्बे वगैरह दाग वगैरह कहीं नहीं छोड़े इसने। मतलब इसको मैंने सुखा भी दिया, लगभग थोड़ा मोड़ा गीला पड़ा है, टच करने में पता लग रहा है गीला है, लेकिन देखने से इतना कुछ पता नहीं लग रहा ज्यादा। ये तो बिल्कुल मतलब साफ हो चुका है, हल्के हल्के यहाँ धब्बे से रह रहे हैं अभी, पता नहीं क्यों है, लेकिन यहाँ से जो भी गंदगी थी ना वो मतलब सारी की सारी साफ हो गई। यहाँ पे थोड़ी सी गंदगी थी, मतलब निशान वगैरह थोड़े ही थे, लेकिन जितने थे वो साफ हो गए। अब मेरे को पता है एक फायदा लगा यार ये सीट्स कवर चढ़ाने का, यहाँ पे जैसे मैंने सीट कवर चढ़ाया ना, तो ये थोड़ी सी चीज जो है ना यहाँ पे है, ये इस वजह से क्या होंडा सिटी के अंदर दिक्कत है कि इसका आर्मरेस्ट है ना जो रियर का वो कुछ ज्यादा ही नीचे चला जाता है, जो एंगल है ना वो ये बनने की बजाय ऐसे हो जाता है, इसके अंदर ये थोड़ा सा ऊपर रहता है हाथ रखने पे भी, इतना नीचे नहीं जाता जितना पहले जाता था, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल रहता है इसके ऊपर, ज्यादा ही नीचे नहीं जाता है। ये मतलब फायदा हो गया मेरे को सीट कवर वगैरह चढ़वाने का। इसको करते हैं बंद एक बार। अब पता नहीं वो सीट कवर चढ़ाने वाला भी ऐसे ही था, देखना चैन का क्या हाल है। चैन मतलब बहुत मतलब गंदे तरीके से उसने चैन वगैरह लगाई है इसके अंदर। वो वाला डोर दिखाता हूँ मैं आपको, ये भी लगभग साफ हो ही चुका है। बस यहाँ पे मेन तो बस ड्राइवर डोर था, उसके अंदर बहुत ज्यादा गंदा था और वो स्टेन वगैरह ज्यादा ही दिख रहे थे। ये भी लगभग ऑलमोस्ट साफ हो चुका है। ये थोड़ा सा गीला पड़ा है यहाँ से देखो तो, ये थोड़ा सा गीला पड़ा है, लेकिन ये फिर भी साफ हो चुका है, इतना कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं इसके अंदर। ये वाली चीज भी देखो तो आप, ध्यान से साफ हो चुकी है यहाँ से। यहाँ पे मैंने सारे जो कॉलिन वगैरह और एक बार कपड़ा फिर मार दिया, बाकी मेन तो दिक्कत इसकी थी ये बहुत ज्यादा गंदा दिखता था, और मतलब घुसते गाड़ी के अंदर अच्छी सी फीलिंग नहीं आती थी। अब मैंने तो भाई ये कॉलिन से साफ कर दिया सिर्फ, वो तो एक 3M का केमिकल सा होता है, अगर वो ना लेना हो तो इससे भी साफ हो जाता है, जुगाड़ सा चल जाता है इससे भी, लेकिन बेटर है कि आप 3M का वो केमिकल सा ले लो। अगर किसी भाई को दिक्कत आ रही है कि ये जो डोर ट्रिम्स वगैरह है गंदी जाती है, और मतलब 3M का अगर उसे केमिकल वगैरह नहीं लेना भाई को, तो आप जो है कॉलिन यूज कर सकते हैं, इससे सही साफ हो जाता है। मैंने तो आज करके आपके सामने रिजल्ट्स हैं, मैंने कोई मतलब कोई और केमिकल वगैरह नहीं लगाया, सिर्फ कॉलिन लगाया और उसके बाद कपड़ा मार दिया, और उसके बाद आपको दिखा दिया, सुखा दिया मैंने एक बार थोड़ा सा ये। तो चलो भाइयों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।